एक वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी की लगभग 100 मार लगती है। हाँ, अंतिम प्रहार उसे अवश्य गिरा देता है। तो क्या पहला प्रहार निष्फल हो गया? नहीं, पहले प्रहार ने चिन्ह बनाया और दूसरे प्रहार ने उसे और गहरा कर दिया, और इसी प्रकार हर प्रहार उस वृक्ष के तने को इतना दुर्बल बना देता है कि अंतिम प्रहार वृक्ष को धराशायी कर जाए। इसलिए यदि आपका पहला प्रहार असफल हो जाए तो स्वयं को असफल मत समझो, प्रहार करते जाओ, अर्थात सफलता के लिए फल की कामना ना करें। हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। स्वर्ण को भी कुंदन बनने के लिए ताप सहना होता है, हीरे को भी चमक पाने के लिए शान पर स्वयं को घिसना पड़ता है। इसीलिए यदि सफलता की चमक चाहिए तो परिश्रम करना पड़ेगा और कठिनाइयों का ताप सहना होगा। सुनीर में और बाण शेष है या समाप्त हो गए पांचाल नरेश? सम्राट, एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हारे इस मित्र कर्ण का कोई तोड़ नहीं। ना कर्ण का कोई सामना कर सकता है तो वो केवल अर्जुन है, परंतु पता नहीं पशुपतास्त्र की यात्रा में अब वो किस मोड़ पर होगा। भोले हो तुम कौन थे? जिस अस्त्र से मुझे मारा जा सके वो तुम्हारे पास नहीं है, परंतु जिस अस्त्र से तुम्हें बांधा जा सके वो अस्त्र मेरे पास है। साधारण नारी नहीं हूं मैं, यक्षिणी हूं, वरदान प्राप्त यक्षिणी। इस कर्ण के सामने हमारा हर प्रहार असफल है पिताश्री। समय आ गया है पांचाल के सबसे घातक अस्त्र को प्रस्तुत करने का। अब भी समय है पांचाल नरेश, हस्तिनापुर की अधीनता स्वीकार कर लो। जिसकी पुत्री द्रौपदी ने इतना सब कुछ सहने के पश्चात भी दासी बनना स्वीकार नहीं किया, तो फिर उसका पिता द्रौपदी दास बनना कैसे स्वीकार कर सकता है? पांचाल नरेश द्रौपदी का सर कट सकता है परंतु झुक नहीं सकता। मुझे युवराज दुर्योधन के चरणों में राजाओं के मस्तक चाहिए। झुके हुए मेरे तो उत्तम, अन्यथा घटे ही सही।
कैसा अंधकार है, कैसी माया है ये। क्या हुआ अंगराज, क्या हुआ? अब करो प्रहार, प्रहार करो अंगराज, प्रहार करो। कौन है ये? ये द्रुपद का वार। चलो युद्ध करो, बच सकते हो तो बचो। युद्ध करो। एक स्त्री पर अस्त्र उठाना किसी भी योद्धा के धर्म के विरुद्ध है। अब क्या करोगे मित्रगण? क्या स्त्री पर अस्त्र न उठाने के कारण हम दिग्विजय का पहला ही युद्ध हार जाएंगे? रुको मत अंगराज, युद्ध करो, क्योंकि जब तुम युद्ध करोगे तब तुम पराजित होगे, और जब हस्तिनापुर पराजित होगा तभी वो आएगा। आओ
उसके आने की बात कर रहे हैं। तुम सबको बंदी बनना होगा, तभी वो आएगा, तभी मेरे जन्मों का प्रतिशोध पूर्ण होगा। मामा जी, ये किसकी बात कर रही है? किसे लाना चाहती है वो यहां पे? मेरा प्रतिशोध पूर्ण करने के लिए उसे आना ही होगा। कवच तुम्हें प्रहार से बचा सकता है अंगराज, परंतु कब तक? तुम्हें हारना ही होगा। कौन हो तुम वीरांगना, और किसके आने की बात कर रही हो? आपसे तो मेरा कोई बैर नहीं। मेरे पुत्र से बैर कर तुमने मुझे अपना बैरी बना ली। बताओ कौन हो तुम, अपना परिचय दो। अंगराज, यह शिखंडनी है, शिखंडनी। मेरी पुत्री युद्ध करो अंगराज, क्योंकि पांचाल में वीरों का परिचय उसके युद्ध कौशल से होता है, उसके पुरुष या स्त्री होने से नहीं। और यदि लड़ने का साहस नहीं है तो बुलाओ उसे, मेरे सामने लाओ। मैं एक स्त्री पर अस्त्र नहीं उठा सकता, और ये पता नहीं किसे लाने की बात कर रही है। परिश्रम का समय है पुत्र अर्जुन, हमारा लक्ष्य कैलाश है। जाओ, कैलाश का मार्ग उस ओर है।
जाओ अर्जुन, कैलाश की ओर प्रस्थान करो। विजयी भाव, यशस्वी भाव, सफल भाव। अपने पुत्र के मार्ग से मैंने बाधा हटा दी, अब अपने पुत्र के शत्रु के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना ही मेरा लक्ष्य होगा। सावधान कर्ण, देवराज इंद्र अपना प्रतिशोध लेकर रहेगा। कर्ण, प्रहार करो। यदि तुमने प्रहार नहीं किया तो मैं प्रहार करूंगा। नहीं युवराज, नहीं। यदि तुम प्रहार नहीं करोगे तो मैं करूंगी। गया वो, आज मेरे जन्मों का प्रतिशोध पूर्ण होगा। मरण है वो अपमानित अम्मा जिसे न प्रेम मिला न पति। स्मरण है वो अबला अम्मा जिसके स्वयंवर से एक टूटी हुई वस्तु के भांति उठाकर तुम ले आए। स्मरण है वो अम्मा जो अपने अपमान के प्रतिशोध के लिए हर वीर के पास गई, हर योद्धा के पास भटकी। स्मरण है वो अम्मा जिसने तुम्हारी नाश की प्रतिज्ञा लेकर अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया। हाँ भीष्म, मैं उसी अम्मा का पुनर्जन्म हूं। शिखंडनी, शिखंडनी, शिखंडनी। कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि सब कुछ होते हुए भी आपको कुछ और चाहिए? ये मिल जाए तो वो चाहिए। यदि आपको ऐसा असंतोष अनुभव होता है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि संतुष्ट हो जाना मनुष्य का स्वभाव ही नहीं है। और इसी कारण मानव ने सभी जीवों में सबसे अधिक विकास किया। इसीलिए मनुष्य ने आर्थिक और शक्ति रूप से वृद्धि की, संपन्नता बढ़ती गई, ज्ञान बढ़ता गया,
अर्थात विकास के लिए असंतोष बहुत आवश्यक है, परंतु समस्या तब उत्पन्न होती है जब ये असंतोष ईर्ष्या में बदल जाता है, जब आप स्वयं की संपत्ति अर्जित करने की अपेक्षा ये प्रयास करने लगते हैं कि आपके प्रतिद्वंदी की संपत्ति अधिक ना रहे, तब ये असंतोष ईर्ष्या में बदल जाता है और यही ईर्ष्या जन्म देती है अपराध को, षड्यंत्र को। तो प्रश्न ये उठता है कि इस ईर्ष्या से बचा कैसे जाए, और इसका केवल एक ही उपाय, जब प्रयास अपने साथ साथ दूसरों के विकास का भी हो, तब जाकर ईर्ष्या समाप्त होती है और प्रारंभ होता है आनंद का, वास्तविक विकास का। स्मरण है वो अंबा जिसने तुम्हारी नाश की प्रतिज्ञा लेकर अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया। हाँ भीष्म, मैं उसी अंबा का पुनर्जन्म हूं। शिखंडनी। जो तुम्हारा काल बन के जन्मी है, आज उस अंबा का प्रतिशोध पूर्ण होगा। आज मैं तुम्हें मृत्यु दूंगी। कौन? पिताना को बचाओ, रुको उसे। अंगराज, तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? बच नहीं पाओगे भीष्म। तब माया अस्त्र, ये प्रतिद्वंद्वी के सबसे बड़े शत्रु का भय उसके समक्ष उत्पन्न कर देता है। आज मैं तुम्हारे हर एक प्रतिबिंब का नाश कर दूंगी। ओह, तो वो कथा सत्य थी जो अंबा गंगा पुत्र के संहार के लिए पुनर्जन्म लेगी। खंडनी को नागपाश के बंधन का अनुभव करा दिया जाए। अंगराज, ये कैसा विघ्न है अंगराज? ये जलवायु परिवर्तन कैसा? और वो भी केवल हमारी सेना पर अंगराज,
अंगराज, उधर पांचाल की सेना के ऊपर का आकाश तो स्वच्छ है, अब ये किस शत्रु की माया है अंगराज? ये सब क्या हो रहा है सूर्यदेव? ये सूर्यदेव नहीं मूर्ख कर्ण, ये मैं तुम्हारा परम शत्रु देवराज इंद्र। ये आप क्या कर रहे हैं? आप क्यों मेरे मार्ग में आ रहे हैं? देवताओं के राजा होने का यह अर्थ नहीं है कि आप ही को अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार है। परंतु सूर्यदेव, आप क्यों मेरे मार्ग में आ रहे हैं? प्रश्न मेरा भी यही है। हस्तिनापुर की सेना पर आप अपना क्रोध क्यों जता रहे हैं? सूर्यदेव, मैं तो केवल अपने पुत्र के मार्ग में आई अर्चन को हटा रहा हूं। और मैं भी अपने पुत्र की सहायता करने का प्रयत्न कर रहा हूं। आपका पुत्र? ये सूत पुत्र नहीं, सूर्य पुत्र कर्ण। माना आप देवताओं के राजा हैं, परंतु आप भी त्रिदेव द्वारा ही संचालित होते हैं। यदि आप अपने अधिकारों और शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे तो मुझे भी अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार है। विध्वंस नहीं चाहते हो तो अपनी पराजय स्वीकार करो और अपना मुकुट युवराज दुर्योधन के चरणों में रख दो। मामाश्री, आज इस विजय से मेरी उस पराजय के अपमान का दंश मेरे हृदय से निकल गया। जब मैं आचार्य द्रोण को उनकी गुरु दक्षिणा नहीं दे पाया था। मेरा सम्मान स्वीकार कीजिए वीरांगना, निश्चित रूप से आप एक महान योद्धा हैं। क्षमा कीजिएगा कि मुझे एक स्त्री को नागपाश में बांधना पड़ा। क्यों तुम पुरुषों को यह अभिमान है कि स्त्री केवल दया का पात्र है, कि वो दुर्बल है, कि वो केवल सृजन कर सकती है? एक स्त्री अगर चाहे तो संहार भी कर सकती है। शताब्दियों से यही तो चला आ रहा है, सम्मान की आड़ में स्त्री का अपमान। यदि आज तुमने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं किया होता तो भीष्म को आना पड़ता, मेरा प्रतिशोध पूर्ण होता। परंतु
एक दिन ऐसा आएगा अंगराज जब भीष्म मेरे सामने खड़ा होगा और वहां ना तुम उसकी रक्षा कर सकोगे ना तुम्हारा ब्रह्मास्त्र। स्मरण रखना अंगराज, एक स्त्री का प्रेम अगर संसार रच सकता है तो उसकी क्रोध की अग्नि सब कुछ भस्म भी कर सकती है। स्मरण रखना, एक महायुद्ध होगा, महाविनाश होगा और उस विनाश को तुम भी नहीं रोक पाओगे। जहां तुम भी अपने घुटनों पर बैठकर अंतिम सांस लोगे। स्मरण रखना कर्ण। बड़ा भयंकर युद्ध था अंगराज, महादेव की कृपा से समाप्त हुआ और हमारी विजय हुई। अभी कई युद्ध शेष हैं और कई विजय प्राप्त करनी है गांधार नरेश। मैं इस दिग्विजय यात्रा को अंत तक अवश्य पहुंचाऊंगा। आखिर कब इस कर्ण का विजय रथ रुकेगा? तो मैं खुलकर कुछ कर भी नहीं सकता, कोई प्रहार नहीं कर सकता, क्योंकि तुरंत सूर्यदेव इसके समर्थन में आ जाएंगे। सूर्य पुत्र कर्ण, कर्ण पाचाल पर विजय कर मगध की ओर बढ़ता जा रहा है। वहां मेरा पुत्र अर्जुन वो तपस्या करके भी महादेव को प्रसन्न नहीं कर पा रहा। ओम नमः कर्ण ने कलिंग और बंग पर भी विजय प्राप्त कर लिया। अधिक से अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है कर्ण। अर्जुन, सब पर शीघ्र प्रसन्न होने वाले महादेव ना जाने कब मेरे पुत्र अर्जुन पर कृपा करेंगे। वनवास के 10 वर्ष पूर्ण हो चुके, ये कर्ण अब तक अपराजित है, दिग्विजयी बनने की सीमा पर खड़ा है।
क्या करूं मैं, क्या करूं मैं और कैसे अपने पुत्र अर्जुन को इस कर्ण से अधिक शक्तिशाली बनाऊं? कैसे? छेदी, कलिंग, मगध, त्रिगध, मत्स्य, इन सब पर या तो विजय मिली है या इनसे संधि हुई है। युवराज, आपके चरणों में भारत के सारे राजाओं के मुकुट प्रस्तुत हैं। कुछ ने स्वेच्छा से दिए हैं और कुछ के शीश काट कर लाए गए हैं। असत्य भाषण तुम जैसे वीर पुरुष को शोभा नहीं देता अंगराज। अभी तक दिग्विजय संपन्न नहीं हुई है क्योंकि इन मुकुटों में एक मुकुट तो है ही नहीं। उग्रसेन का मुकुट अंगराज, द्वारका अंगराज, द्वारका। अभी तक तुम्हारा द्वारका पर विजय पाना शेष है अंगराज, और द्वारका पर विजय पाए बिना मेरे सम्राट दुर्योधन की दिग्विजय अधूरी होगी अंगराज। द्वारका से युद्ध, शानी वासुदेव से द्वंद, क्या आप नरसंहार का प्रण लेकर हस्तिनापुर से निकले थे गांधार नरेश? रक्त की नदियां बह जाएंगी, परंतु वासुदेव और श्री बलराम को हराना असंभव है। लोग इन्हें यू ही अवतार नहीं कहते। अवतार की कथा पे वो विश्वास करते हैं जो कृष्ण से भयभीत हो। तुमने ही कहा था ना मित्र कि भावी युद्ध के लिए शक्तिशाली राजाओं को अपने समर्थन में लेना आवश्यक होगा। बिना द्वारका के ये कैसे संभव होगा मित्र? तुमने मेरे लिए दिग्विजय का वचन दिया है, क्या उसे पूर्ण नहीं करोगे मित्र? द्वारका का साथ अवश्य मिलेगा युवराज, शक्तिशाली को मित्र संधि से बनाया जाता है, युद्ध से नहीं। हमें वासुदेव और श्री बलराम से संधि करनी होगी। द्वारका से संधि, द्वारका से तुम्हारी संधि नहीं होने दूंगा कर्ण। तुम्हारे विनाश का जो अवसर मैं खोज रहा था वो तुमने स्वयं मुझे दे दिया है। अब देखना बलराम कैसे तुम्हारा विनाश करेंगे। ना ही ये सूर्यदेव बलराम के आगे कुछ कर पाएंगे, और ना ही गोवर्धन उठाकर मुझे नीचा दिखाने वाला वो वासुदेव कृष्ण। हम सबके जीवन में कई बार ऐसा होता है
कि हम लक्ष्य के बिल्कुल निकट होते हैं, परंतु अचानक हमारे मार्ग जैसे बंद हो जाते हैं या फिर हम भ्रम में फंस जाते हैं। कभी कभी उस भ्रम से जूझ कर हार मान लेते हैं, कभी कभी उस भ्रम को ही लक्ष्य समझ लेते हैं, और प्रत्येक स्थिति में हमारा लक्ष्य हमसे दूर होता जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसे में क्या किया जाए, और उत्तर है धैर्य। मन जब अधीर होता है तब सोचने समझने की क्षमता खो देता है, भ्रम के माया जाल में फंस जाता है और अंततः थक कर हार जाता है। जबकि धीरज रखने से मन शांत होता है, आप एकाग्रचित होते हैं, भ्रम के माया जाल से निकलकर अपने लक्ष्य को देख पाते हैं। इसीलिए धीरज रखना सीखें, क्योंकि ये बहुत बड़ी शक्ति है। हमें वासुदेव और श्री बलराम से संधि करनी होगी। द्वारका से संधि? द्वारका से तुम्हारी संधि नहीं होने दूंगा कर्ण। अब देखना बलराम कैसे तुम्हारा विनाश करेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं इंद्रदेव? नंदिनी को आप कैसे लेके जा सकते हैं? विवशता, विवशता श्री बलराम, मुझे लगता है नंदिनी द्वारका में सुरक्षित नहीं। क्यों, अचानक से द्वारका असुरक्षित कैसे हो गया? है नहीं, किंतु होने वाला है। अब तक मुझे लगता था कि कामधेनु पुत्री कल्पपूर्णा नंदिनी आपके और वासुदेव के पास सुरक्षित है, परंतु अब? परंतु क्या इंद्रदेव, क्या आपको यादव के गौवंश के प्रति प्रेम पर संदेह है? कदापि नहीं, किंतु मुझे हस्तिनापुर की नीति रीति पर विश्वास नहीं है। आप स्वयं ही देखिए, वहां एक पुत्रवधू सुरक्षित नहीं है तो गौवंश कैसे सुरक्षित रहेगा? हस्तिनापुर से द्वारका का क्या संबंध है? संबंध है हलधर, हस्तिनापुर के लिए कर्ण दिग्विजय पर निकला है, आवश्यक है कि वो एक दिन द्वारका अवश्य आएगा। आपने सोच भी कैसे लिया देवराज, हस्तिनापुर के आदिमताम स्वीकारेंगे? यदि हस्तिनापुर की सेना द्वारका के द्वार पर पहुंची तो मैं उन्हें यमलोक का द्वार दिखा दूंगा। और वो यदि संधि के लिए आए तो? संधि? संधि तो एक बहुत अच्छा विकल्प है, संधि से विकास के द्वार खुलते हैं। बड़े ही भोले हैं आप महाबली, आप उस हस्तिनापुर से संधि करेंगे जहां पुत्र वधू के वस्त्र हरण किए, आप उस हस्तिनापुर से संधि करेंगे जहां आपके फुफेरे भाइयों को द्यूत में छल कपट से हराया गया। याद रहे कर्ण भी उनके साथ, एक सूत पुत्र से संधि करेंगे आप? द्वारका में वर्ण भेद नहीं है इंद्रदेव, किंतु कर्मों का क्या? उस कर्ण ने छल कपट करके अपने गुरु से विद्या प्राप्त करें, खुले दरबार में द्रौपदी का अपमान होते देखा, आपके बहनोई अर्जुन के प्राणों का प्यासा है वो, कोई योद्धा नहीं है वो, एक छलिया है, और आप चले हैं उनसे संधि कर। आपको स्मरण है कि वो आपसे संधि क्यों करना चाहते? मैं बताता हूं आपको, ताकि जब पांडव वनवास से वापस लौटे और युद्ध आरंभ हो तो उन्हें आपका समर्थन मिल सके। हे महाबली, क्या आप ऐसे लोगों की सहायता करेंगे जिन्होंने विष में एक नारी के साथ क्रूर कर्म किए? तो और क्या विकल्प हो सकता है इंद्रदेव? यदि कोई मित्रता का हाथ बढ़ाने के लिए आपके घर तक आए तो आप उसे कैसे ठुकरा सकते हैं? यदि मित्रता का अवसर ही ना दिया जाए तो? कैसे? अश्वमेघ यज्ञ से, इससे पहले कि वो कर्ण द्वारका पहुंचे, आप अपने नाना श्री के प्रतिनिधि बनकर यज्ञ आरंभ कीजिए। अश्व छोड़ी, यदि कर्ण ने उस अश्व को जाने दिया
तो वैसे ही हस्तिनापुर आपका अधीन हो जाए, और यदि रोक लिया तो आप युद्ध करके उसका नाश कर सकते हैं। ये अच्छा विकल्प है। यदि ऐसा है तो मैं नंदिनी को आपके सानिध्य और आपकी सुरक्षा में छोड़ने के लिए तैयार हूं। दाऊ, बिना कर्ण की मंशा जाने उससे युद्ध करना मुझे उचित प्रतीत नहीं होता। दाऊ, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप नंदिनी की सुरक्षा करने में समर्थ नहीं। ऐसी स्थिति में आप उसे लौटा ही दीजिए। यदि नंदिनी यहां से गई तो द्वारका का अपमान होगा जो मुझे स्वीकार नहीं। नंदिनी यहीं पे रहेगी। अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन होगा का नहीं? ये तुम्हारे ज्येष्ठ का आदेश है। क्या तुम्हें अस्वीकार है? यदि अश्वमेघ यज्ञ नहीं हुआ तो नंदिनी द्वारका को छोड़कर चली जाएगी, और यह द्वारका के लिए बहुत ही अपमानजनक बात होगी। क्या यह स्वीकार है? मैं आपके आदेश के परे कहां हूं दाऊ? जैसी आपकी इच्छा। तो ठीक है, यज्ञ के लिए उत्तम अश्व की व्यवस्था करो, और पहले ही मुहूर्त में यज्ञ प्रारंभ होगा। इसे कहते हैं समय का चक्र। हर मोड़ पर तुमने मुझे पराजित किया है कर्ण, लेकिन अब तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं। यदि द्वारका के अश्व को जाने दिया तो भी तुम्हारी पराजय होगी, और रोक दिया तो बड़े भ्राता बलराम तुम्हारा वध करेंगे, जिसे स्वयं अनुज कृष्ण भी नहीं रोक सकेंगे। रुको! क्या हुआ मित्र, रुकने का संकेत क्यों किया? द्वारका के निकट ही है। अश्व के पश्चाप के स्वर सुनाई दे रहे हैं युवराज। ये अश्व की नहीं, तुम्हारे पतन की पश्चाप है ये कहानी।
एक यज्ञ का अश्व है जो श्री बलराम और श्री कृष्ण की सुरक्षा में है। इसे रोकने वाला नारायणी सेना के साथ युद्ध को निमंत्रण देगा। अंगराज, ये अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं तो हम भी दिग्विजय यात्रा पर निकले हैं। रोक लो यश, हो जाने दो युद्ध। आज उस छलिए कृष्ण को भी हस्तिनापुर के वाणों का स्वाद चखने दो। नहीं मामा श्री, बात केवल कृष्ण की नहीं, अल्दर बलराम की भी है। एक बार बलराम ने हमारी मित्रता स्वीकार कर ली, फिर जीवन भर पांडव हमारे समीप नहीं आ पाएंगे और ना ही कृष्ण हमारा कुछ भी बिगाड़ पाए। कर्ण, बलराम जैसे महाबली वीर से अभद्रता उचित नहीं। नहीं दुर्योधन, ना आज इस अश्व को यूं ही जाने दिया तो सारे भारतवर्ष में यह संदेश जाएगा, यादवों का वर्चस्व स्वीकार कर लिया है हस्तिनापुर ने, ना मेरे सम्राट, ना। कर्ण, तुम हस्तिनापुर की सेना के सेनापति हो, स्मरण रहे, तुम्हारी विजय मेरे सम्राट दुर्योधन के नाम अवश्य होगी, परंतु तुम्हारी पराजय तुम्हारे मस्तक का ही कलंक बनेगी। कर्ण, स्मरण रखना। सोच क्या रहे हो कर्ण? रोक लो ये अश्व, कर्ण ये अश्व रोक लो। नहीं कर्ण, तुमने क्या किया मित्र? अब श्री बलराम का कोप सेना होगा हमें। अश्व को रोका गया है, आक्रमण। ठीक कहा था देवराज ने, यह कर्ण बड़ा ही उद्दंड और दुस्साहसी है। द्वारका के अश्व में एक यज्ञ के अश्व को रोका है उसने, हमारी सेना पर आक्रमण किया है उसने। मैंने कहा था ना दाऊ कि यह योद्धा तनिक विकट है, परंतु उसने अभी तक बलराम के हल और गदा की विकटता नहीं देखी है। हस्तिनापुर को अपने हल की नोक से उखाड़कर भूमि में गाड़ दूंगा मैं। मैं जानता हूं कि तुम्हें कर्ण प्रिय है, परंतु जो भी द्वारका के सम्मान की सीमा को लांघे वो मुझे प्रिय नहीं। अब कर्ण को मेरा सामना करना ही होगा। अब जैसी आपकी इच्छा दाऊ। मैं तुम्हारी इच्छा जानना चाहता हूं कन्हैया।
क्या इस युद्ध में तुम भाग लोगे या नहीं? अब दाऊ की इच्छा है तो कन्हैया को तो आना ही होगा, परंतु परंतु क्या? परंतु इस युद्ध में मेरी भूमिका कुछ और होगी दाऊ, क्योंकि आने वाला योद्धा महारथी है और इस युद्ध में सामना करने के लिए आपको एक चपल सारथी की आवश्यकता पड़ेगी। लो सम्राट, ये जलिया सारथी बनकर आया है, अर्थात शस्त्र नहीं उठाएगा। विजय निश्चित है सम्राट, विजय निश्चित है हमारी। द्वारका के अश्व को रोकने वाले कर्ण, तेरा सामना बलराम से है। अपने प्रिय जनों का स्मरण कर ले, क्योंकि तेरा स्वागत स्वयं यमराज करने वाले हैं। शत्रु ने ललकारा है, अंगराज उत्तर दो। छलिए कृष्ण ने हमारे कई बनते काम बिगाड़े हैं दुर्योधन, आज इसकी पराजय का आनंद हम उठाएंगे, द्वारका का पतन होगा। और फिर तुम्हें पांडवों का कोई भय नहीं होगा, मेरे सम्राट कोई भय नहीं होगा। संधान करो कर्ण, तुमने वाण संधान किया और मेरा प्रतिशोध पूर्ण होगा। आज मेरे एक परम शत्रु की हार निश्चित है, या तुम्हारी या कृष्ण की। चला बाण, चला कर्ण, ये तेरे बाण ही, कि तेरे बाण ही तेरी मृत्यु का कारण बनेंगे। देख रहे हो कन्हैया, जिस कर्ण से तुम्हें इतना स्नेह है वो कितना दृष्ट है।